बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जुलाई 9th और आपके लिए मैं लाया हूँ स्टॉक मार्केट की अपडेट। लेकिन याद रखें, ये बाइंग या सेलिंग कॉल नहीं। मैं आपको नहीं बता रहा किस में इन्वेस्ट करें, किस में डाइवेस्ट करें। ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल डाटा। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल है, उसकी बेसिस पर मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। कल अगर हम देखें तो कल मार्केट में फायर थी, जिसकी वजह से 2 घंटे स्टॉक मार्केट बंद रही थी और उसकी वजह से ब्रोकर्स ट्रेड नहीं कर सके थे, वो बाहर थे। अब उसके बावजूद आप अगर नज़र लगाएं इंडेक्स पर, तो स्टॉक मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज़ किया। कल इंडेक्स ने मिड डे टॉप कर दिया था और बाय द टाइम स्टॉक मार्केट क्लोज्ड इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस लगाएं तो आपको नज़र आएगा कि बैंक्स ने कल स्टॉक मार्केट को लीड किया था। अब बैंक्स में मैं, आप मेरी अगर प्रीवियस पुरानी वीडियोस देखें 3, 4, 5, 6, 7 दिनों पहले की, तो मैंने आपको बताया कि कुछ ब्रेक अवे स्टॉक्स हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड, अस्करी बैंक, इन्होंने मार्केट को लीड किया बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी। इनमें अभी भी बहुत पोटेंशियल है टू मूव अप एंड मूव फॉरवर्ड। साथ ही साथ हम देखें तो आखिरी घंटे में, 1.5 आवर में, रिफाइनरीज ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। अब अगर आप इस पर थोड़ा सा नज़र लगाएं तो एक सऊदी ग्रुप ने शेल पाकिस्तान के जो बचे खुचे ऑपरेशंस हैं उनको परचेस कर लिया है, तो इसकी वजह से जो स्टॉक्स हैं रिफाइनरीज के, पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस के, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कल किया। साथ ही साथ आप अगर थोड़ा सा देखें तो सीमेंट सेक्टर में फौजी फर्टिलाइज़र दोबारा से कुछ ना कुछ मोमेंटम शो कर रहा है। आप अगर मेरी प्रायर वीडियोस को देखें तो उसमें मैंने शेयर किया था कि फौजी सीमेंट में भी ब्रेक अवे मोमेंटम है, यानी कि ये वो शेयर्स हैं जो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं रीच किया और वो ग्रेजुअली कैचअप कर रहे हैं। तो अब आप अगर देखें तो अगले एक दिन के लिए आपने जो जिन सेक्टर्स पे आपने नज़र रखनी है, नंबर वन है उसमें बैंकिंग, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया, अगर आप उनको सुने, डिविडेंड्स देने का टाइम आ रहा है, तो बैंकिंग। साथ ही साथ आपने उसको देखना है सीमेंट, फर्टिलाइज़र, और फिर आपको कुछ ना कुछ नज़र रखनी है ऑटोमोबाइल पार्ट्स के ऊपर। उन्होंने भी रैली किया, बहुत बूस्ट दिया ऑटोमोबाइल सेक्ट, सॉरी आपकी जो इंडेक्स है स्टॉक मार्केट को, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के जो सेक्टर है उसने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। अब कुछ शेयर्स हैं जिनसे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा कॉशियस रहिए। आपने अगर नोट किया होगा तो आपको नज़र आया होगा हम, आपको नज़र आया होगा ATRL, साथ ही साथ आपको कुछ नज़र आएंगे जिस तरह आपके पास हो गया K Electric। आपने ये थोड़ा सा वन ऑफ किस्म के हैं, ये पहले इतना कोई पोटेंशियल शो नहीं कर रहे थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर हम TV आया है, तो आपने इनसे थोड़ा सा अभी कॉशियस रहना है। लेकिन बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, HBL, फौजी और अस्करी बैंक, इन पे आपने नज़र रखनी है और इन्हीं पे ही आपने अपना थोड़े से बेट्स रखने हैं, क्योंकि ये आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल ज़रूर देंगे। आपके पास क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, रीच आउट टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।